आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी ऐसे केमिकल्स, ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एंटी माइक्रोबियल की तरह। माइक्रोब से यहाँ पे मतलब है सूक्ष्म जीव, है ना। अब कोई भी माइक्रोब हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, है ना, कोई भी तरह का सूक्ष्म जीव हो सकता है। तो पहले एक लाइन में एंटी माइक्रोबियल की परिभाषा लिखेंगे अपन। दीज आर द एजेंट्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने नहीं देते हैं, वो सारे एजेंट क्या कहलाते हैं? एंटी माइक्रोबियल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। मुख्य रूप से बैक्टीरिया, देन फंगस, वायरस, और भी जितने पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, वो सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। अब इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है एंटीबायोटिक एजेंट्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है एंटीबायोटिक, यानी कि वो केमिकल जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे। दोज एजेंट विच इज वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दोज एजेंट्स which work against those agents which work against the bacterial infection. एंटीबायोटिक तभी खाई जाती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। अनावश्यक एंटीबायोटिक खा खा के फालतू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है बॉडी में, है ना। अब सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम प्योरली क्या है? वायरल डिजीज। कैसी डिजीज है? वायरल। इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। अब उसमें लोग क्या करते हैं? धां धूं बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खाते हैं। लिख दिया यहां तक? सेकेंड आ जाएगा एंटी फंगल एजेंट्स, हैं? उन्नीस का आगे पे एक लाइन छोड़ दे। एंटी फंगल एजेंट्स, दोज एजेंट्स विच इज वर्क अगेन ये फंगल इन्फेक्शन भी बड़ा खतरनाक इन्फेक्शन होता है ना। कोरोना के टाइम हुआ था ना, ब्लैक फंगस सीधे सीएनएस तक पहुंच जाता है।
सिंपल चीज है ये, बिल्कुल एंटी फंगल, यानी कि वो केमिकल जो फंगल इन्फेक्शन में काम में लेंगे उसको ट्रीट करने में, एंटीवायरल जो वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आएगा वो एंटीवायरल, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आएगा। ऐसा केमिकल जो किसी पैरासाइट, पैरासाइट यानी परजीवी, समझ रहे हो? अब परजीवी मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्लाज्मोडियम है ना, मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया होता है ना, एंटी मलेरियल ड्रग अलग तरह की होती है। मिठाई भाई थोड़ा फास्ट लिखो यार, आज खींचना है ज्यादा, पूरा कराना है। अब देखो सिलेबस में देखो नाम से क्या क्या दिए हुए हैं, ये जस्ट इसके बाद में पहला क्या सिलोनाइट्रेट है? हाँ सिलोनाइट्रेट स्टार्ट करते हैं। आ रहा है समझ में क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल चीज़ें इंट्रोडक्टरी पढ़ाया अभी तो है ना, अभी पर्टिकुलर एक केमिकल अपन को पढ़ना है। चलो भाई मिटा रहा हूँ, ठीक है रमेश जी। पहला है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कैसे पढ़ना है? जैसे अभी तक पढ़े हैं केमिकल अपन ने फिक्स पैटर्न में, सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या कैटेगरी है इसकी? एंटीमाइक्रोबियल या एंटीसेप्टिक। फॉर्मूला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इट शोज एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी टुवर्ड्स अ टुवर्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ कई सारे सूक्ष्म जीवों के खिलाफ ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। इतनी बार पढ़ लेंगे अपने दिमाग में छप जाना चाहिए कि क्या पैटर्न है।
सिंपल है, बता दो भाई इसके बाद क्या पॉइंट आएगा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, थोड़ा फास्ट लिखो। ऑर्डरलेस है, कोई तरह की ऑर्डर इसकी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, कोई दूर से नहीं पहचान सकता ऑर्डर से कि वहाँ IgCl ये IgNO3 पड़ा है। और टेस्ट पे कैसा लगता है, कड़वा धातु जैसा टेस्ट, मेटलिक टेस्ट। फिर क्या आएगा, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। सिल्वर नाइट्रेट का ज्यादा क्या आता है, ज़्यादा क्या आता है सिलो नाइट्रेट का, क्रीम ज़्यादा आती है, क्या आती है, क्रीम जेल सॉल्यूशन। ब्रांड नेम या मार्केट नेम, सिल्वर एक्स नाम से बिकती है बहुत, सिल्वर एक्स। सिल्वर एक्स बर्न हिल, हाँ वो इसका एक रूप है। फिर अब क्या आएगा, हीट से बचाना बहुत ज़रूरी है, हीट की वजह से अपने आयंस में Ag+ और NO3- में टूट जाती है। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, इट एक्ट एज अ एंटी माइक्रोबियल।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो प्रोटीन है, सरफेस पे जो प्रोटीन है उसका ये क्या कर देती है, प्रिसिपिटेशन, उसको तोड़ देती है ना, उसको विकृत कर देती है, तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जिस समय तक ग्रोथ नहीं कर पाता। जले हुए पे लगाने पे ये बहुत वाइडली यूज्ड होती है। ये आपके सिल्वर नाइट्रेट पे आप टिक लगा दो, पन्ने पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं है ज्यादा ऐसा विशेष भयंकर पड़े जैसा इसमें। नेक्स्ट आयोनिक सिर्फ एजी प्लस। मिठाई भाई दिया। नेक्स्ट लिखो आप आयोनिक सिल्वर। आयोनिक सिल्वर यानी एजी प्लस। आयोनिक सिल्वर यानी एजी प्लस है ना। क्या है इसकी कैटेगरी? कैटेगरी क्या है इसकी? एंटी माइक्रोबियल। ये भी इसकी भी मैकेनिज्म सेम है। ये क्या करता है एंटी माइक्रोबियल जो है ना, ये एजी प्लस फिर ये आयोनिक सिल्वर, ये जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसकी सरफेस पे बाइंड हो जाता है और वहाँ पे जो उसकी माइक्रोऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन मौजूद है उसको प्रिसिपिटेट कर देता है। अब लीजिए इसकी किस फॉर्म में मिलता है, ये पढ़ना एक बार, किस फॉर्म में मिलता है? क्लियर कलरलेस लिक्विड। ऑर्डरलेस एंड सोज मेटेलिक टेस्ट। नॉर्मली ये वाटर में घुलता नहीं है, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जीरो है नॉर्मल कंडीशन में। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्रीम जेल सॉल्यूशन।
ब्रांड नेम सिल्वर बेल। सल्फेक्स स्टोरेज जो लाइनें अपन ने तीन लाइनें देखो पीछे उठाओ पन्ना खोलो सिल्वर क्लो नाइट्रेट में लिखी थी वो की वो लिख दो सिल्वर बेल और सल्फ एक्स एच ई एक्स एंटीसेप्टिक क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग में है ना एंटीसेप्टिक क्रीम सॉल्यूशन और लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग में ये काम में लिया जा सकता है। यूज्ड टू डिक्रीज टॉपिकल इन्फेक्शन इन बर्न केसेस। जो बर्न केसेस है उसमें स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाती है तो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो वहाँ पे टॉपिकल यानी कि टॉप पर स्किन पर जली हुई स्किन पर इसको लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन होने के चांस ना रहे। बर्न्स बर्न केसेस एंड क्रोनिक वुंड्स। क्रोनिक वुंड्स समझ गए पुराने घाव। टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करता है एंटीसेप्टिक टूथपेस्ट बनाने में। लिख दिया भाई
चलो भाई मिटा रहा हूँ ना। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट क्या है देखना, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोनेट। क्या होता है ये कैटेगरी? एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक। फॉर्मूला क्लोर एक्जिडिन ग्लूकोनेट हो चाहे क्लोर एक्जिडिन डाई ग्लूकोनेट हो, क्लोर एक्जिडिन ग्लूकोनेट और क्लोर एक्जिडिन डाई ग्लूकोनेट इज अ डिसइंफेक्टेंट, इज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट इज यूज फॉर स्किन डिसइंफेक्शन। ऑपरेशन करने पे से पहले जिस स्किन पे या जिस एरिया में ऑपरेट करना है, कट लगाना है, वहाँ की स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लोर एक्जिडिन ग्लूकोनेट या क्लोर एक्जिडिन डाई ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। या तो कलरलेस होगा या पेल येलो कलर, कलरलेस और पेल येलो कलर पाउडर या सॉल्यूशन। कैसा है? ऑर्डरलेस है और बिटर इन टेस्ट।
क्या क्या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनती है इसकी। माउथ वॉश सबसे ज़्यादा बनता है, जेल बनता है, लॉन्जेजेंस बनती है, लोजेंजेस क्या होता है कौन बताएगा? लोजेंजेस कौन क्या होती है? इसका मोबाइल यार बंद कर। लोजेंजेस क्या होता है रामदयाल? लोजेंजेस क्या होती है? लोजेंजेस क्या होती है किसन? लोजेंजेस क्या स्ट्रेप्सिल्स नाम सुनिए, हॉल्स, विक्स, कफलेट्स, कॉफ सिल्स जो खूब देर तक मुंह में घुलती रहती है, चूसते रहते हैं, है ना। पहले बहुत ज़्यादा चलती थी हॉल्स और स्ट्रेप्सिल्स। बेटा भाई क्या आवाज दी ना किसी? हाँ कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? फार्मास्यूटिकल पेपर। अब नेक्स्ट क्या आएगा? ब्रांड में ब्रांड में हेक्सिडिन नाम से आता है, हेक्सिडिन। एक्सीजेल वो इस दो लाइन लिख दो, स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। पीछे वाले में देखो लिखी हुई होगी, दो लाइन ही लिखनी है। एक तो क्या लिखनी है? इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट या एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर। सेकेंड लाइन में लिखनी है मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर।
दांतों में डेंटल कैरीज, आपने नाम सुना होगा, एक कोचर परंपरा से बचपन सुनता है, कोचर उसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज। क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल जब कभी दांतों में फंसा हुआ रह जाता है काफ़ी लंबे समय तक, ब्रश करने के बाद ऐसी जगह फंस जाता है कि ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता है, या जो कोई ओरल हाइजीन सही नहीं रखता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होना चालू हो जाते हैं। वो धीरे 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 वो उनकी संख्या इतनी बढ़ती है कि वो दांत की जो रूट है वहाँ तक खड्डा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे जो ऊपर की जो दांत के चारों तरफ की जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, वो हट जाती है। अब वो हटते ही क्या होता है कि जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, गर्म पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म, झंझनाहट, दर्द, सूजन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को कहते हैं डेंटल कैरीज। अपने कोर्स में भी है डेंटल कैरीज एजेंट, है ना, एंड फॉर डेंटल कैरीज जो है ना, एंटी डेंटल कैरीज एजेंट अपने कोर्स में भी है। तो ये ग्लूकोनेट जो होता है ना, क्लोरहेक्सिडिन, ये क्या करता है, इसको इसका कुल्ला करने का बोलते हैं, ताकि ये दांतों में जहाँ जहाँ पे कैरीज है वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप रहे हैं तो उनको ख़त्म कर दें, और फिर उसमें ये डेंटल कैरीज के वापस सही नहीं होती, फिर उसमें मटेरियल भरना पड़ता है ना, वो डेंटिस्ट भरते हैं। फिर यहाँ तक कोई समस्या? नेक्स्ट लिखो आम।